या कहना बदल हो या कहना स्टाइन, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी बड़ी फंक्शन करेगी। मैंने कहा मैं आके फीता काटूंगा और चला जाऊंगा, तो मैं खुद ही मैं सरप्राइज हूँ। इससे मुमताज़ आपने इतने लोगों को इनवाइट किया आज। देखिए मुमताज़, पहले तो मेरा क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी से सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन है, क्रिकेट से पहले, क्रिकेट की वजह से सारी दुनिया में जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी थे उनसे मेरा उनसे मिलता था मैं। और फिर शौकत हानम के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए जिधर भी पाकिस्तानी थे दुनिया में, किसी पाकिस्तानी को मैंने नहीं छोड़ा, सारी दुनिया में मैंने पैसे इकट्ठे किए, तो इसलिए मेरा सबसे इंटरेक्शन रहा। और आपसे भी पहला इंटरेक्शन तो ये है कि आपने शौकत हानम को बड़ी डोनेशन दी थी, इसलिए इस तरह मैं आपको मिला। तो इसलिए मैं जानता हूँ कि हमारा जो सबसे बड़ा एहसास है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, और बदकिस्मती से हम इस बड़े टैलेंट को, इस बड़े एहसासे को हम सही माने में अभी तक इसका फ़ायदा नहीं उठा सके, इसको टैप नहीं कर सके। उसकी वजह है हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम जैसे इवॉल्व हुआ है, जैसे 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 वो जैसे बढ़ता गया है गवर्नमेंट, जैसे जैसे बड़ी होती गई है, क्योंकि गवर्नमेंट बढ़ती गई है, वो हुआ क्या है कि गवर्नमेंट अब बन गई है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट इवॉल्व इस तरह हो गई है कि वो गवर्नमेंट अपने आप का ही फायदा पहले देखती है, फिर अवाम का फायदा देखती है, हालांकि गवर्नमेंट का मेन काम होता है अवाम की बेहतरी करना। तो ये दो पैरेलल ट्रैक्स पे चल गया काम। हमारा जो डिस्कनेक्ट है आज कि पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है, क्या वो गवर्नमेंट वो पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी कर रही है या वो गवर्नमेंट अपने आप को चलाने की ज़रूरत पूरी कर रही है, ये दो, ये बड़ा, और ये हमारा मुल्क में नहीं, ये आप अगर दुनिया की तारीख उठा के देखें तो जब भी एक सिस्टम डीजनरेट करता है, जब खराबी की तरफ जाता है, तो वो सिस्टम पर अपने आप को बचाना शुरू हो जाता है। ऑटोमन एम्पायर की अगर आप तारीख पढ़ें तो जब ऑटोमन एम्पायर दुनिया का एक वक्त पर सबसे बड़ा एम्पायर था, जैसे वो सुकड़ता जा रहा था उसकी ब्यूरोक्रेसी बढ़ती जा रही थी। तो इसका इससे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये कि जो इस मुल्क की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, वेल्थ क्रिएशन, दौलत में इजाफा करें हम पाकिस्तान का, दौलत में जब इजाफा करेंगे नौकरियां मिलेंगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, इतने जो कर्जे चढ़े हुए हैं इस मुल्क के ऊपर हम अपने कर्जे वापस कर सकेंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट है जिस तरह हमारी बन चुकी है वो इस तरह देखती नहीं है। तो जो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इस ये जो दो पैरेलल स्ट्रीम्स हैं इनको इकट्ठा करें, तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि जब वो पाकिस्तान में आए तो उनके लिए आसानियां पैदा करें हम, उनके लिए हम मौके पैदा करें कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास इस वक्त जो उनका जीडीपी या सालाना आमदनी है, 90 लाख पाकिस्तानी बाहर है, ये 90 लाख पाकिस्तानी की जो सालाना आमदनी है वो तकरीबन हमारी 22 करोड़ लोगों की उतनी आमदनी है। तो ये सबसे पैसे वाले हुनर वाले इस वक्त पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं। एक सिस्टम ने जो अभी मुस्लिम ने बड़ी अच्छी तरह बयान किया कि एक सिस्टम उनको यहाँ चलने नहीं दे रहा था, वो बाहर जाके कामयाब हो गए, यहाँ कामयाब नहीं हो सकते, सिस्टम रोक के रखा हुआ था, बाहर गए उन्होंने कोई सिफारिश नहीं थी, लेकिन सिस्टम ने इजाज़त दी इनको पैसा बनाने की, कामयाब होने की। और यही आप देखेंगे जो हमारा बेहतरीन टैलेंट बाहर चला गया उसकी बहुत बड़ी वजह यह थी हम इस मुल्क में उनको उस टैलेंट को फंक्शन करने के लिए मौके नहीं प्रोवाइड कर रहे थे। तो हम इस वक्त इस एहसास को जो बाहर हमारा बैठा हुआ है जिसके पास डॉलर्स हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए डॉलर्स हैं, अब दो चीज़ें हैं, एक तो वो जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी नौजवान आबादी है उनको नौकरियों की ज़रूरत है, तो एक तो हमने अपनी नौजवान आबादी को नौकरियां देनी है, तो जब वो पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे नौकरियां मिलेंगी। लेकिन उससे भी बड़ी चीज़ इस वक्त पाकिस्तान का मसला ये है कि हमने अपनी तारीख में कोशिश ही नहीं की अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की,
एक मुल्क तब अमीर होता है जब उसके पास चीजें दुनिया को बेचने के लिए हों। जब उसने अपने यहाँ एक्सपोर्ट्स बढ़ाई नहीं, यानी एक सिंगापुर की 300 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स है, 60 लाख की आबादी होगी उसकी, पाकिस्तान की इंशाल्लाह इस बारी 30 अरब की एक्सपोर्ट्स होगी। मलेशिया जिसकी कुछ 6 करोड़ की आबादी है, उसकी 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स है। तो हम 22 करोड़ लोग सोचें कि हम कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन कभी ना गवर्नमेंट किसी ने कोशिश ही नहीं की। तो जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हम अपना डॉलर का कर्जा वापस करेंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो हमारा रुपया मजबूत होगा, लोगों की दौलत में इजाफा होगा। लेकिन जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही तो जो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे हुए हैं उनको किसी तरह पाकिस्तान में लाएं ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें। जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारे डॉलर्स, और जब डॉलर लेके आएंगे हमारे रिजर्व्स बढ़ेंगे, रिजर्व्स बढ़ेंगे रुपया मजबूत होगा, जैसे जैसे रुपया मजबूत होता जाएगा महंगाई कम होती जाएगी, गुर्बत कम होगी। तो इस साइकिल में आपने समझना है कि क्यों ज़रूरी है हमें कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिस तरह मुस्लिम हैं इनको पूरी तरह कोशिश करें कि पाकिस्तान में वो मौके दें कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। अभी तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या करते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लॉट के ऊपर प्लॉट ख़रीद लेते थे, और बदकिस्मती इस सिस्टम की ख़राबी इतनी थी कि वो प्लॉट लेते थे उसके ऊपर कब्ज़ा हो जाता था। और कितने पाकिस्तानी आए कि उन्होंने बेचारों पैसे बनाए, और ख़ास तौर पर मज़दूर 15-15, 20-20 साल पैसा इकट्ठा करके बेचारों ने प्लॉट लिया या कब्ज़ा ग्रुप ने वो प्लॉट के ऊपर कब्ज़ा किया, और हमारा निज़ाम ही ऐसा था कि वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इस वक्त ये हमारी जंग है इस सिस्टम को ठीक करने की, और इस सिस्टम को ठीक करने की जंग ऐसे है कि हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, रूल ऑफ लॉ। एक माशरा तब आगे बढ़ता है जिधर कानून की बालादस्ती हो। कोई भी मुल्क खुशहाल नहीं है जिधर कानून की बालादस्ती नहीं है। आज अमीर तरीन मुल्क हैं वसाइल के तौर पे अफ्रीका में हैं, कई अमीर तरीन मुल्क हैं, लेकिन क्योंकि वहाँ कानून की बालादस्ती है, गुर्बत की इंतहा है। और पाकिस्तान का भी ये मसला है कि जैसे जैसे हम अपना रूल ऑफ लॉ, हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती वो जैसे जैसे कायम करते रहेंगे, खुद ही ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आके पैसा इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको इतमाद होगा कि उनके पैसे के ऊपर कोई कब्ज़ा नहीं करेगा, उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर उनकी कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा। तो इसके लिए ये है सारी स्ट्रगल चल रही पाकिस्तान की इस वक्त। ये जो सारे पुराने बड़े बड़े लोग जिन्होंने अरबों रुपया चोरी, डॉलर्स चोरी करके बाहर बड़े बड़े महलात लिए हुए हैं, ये सारे जो इस वक्त अटैक कर रहे हैं इस गवर्नमेंट को, इनका मसला ही एक है, ये कानून की बालादस्ती नहीं चाहते। क्योंकि इस वक्त ये वो लोग हैं जो करप्ट सिस्टम से फ़ायदा उठा के बैठे हुए हैं, और करप्ट सिस्टम की वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। ये दुबई क्यों जाके इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि दुबई में कानून है, कोई किसी की जरूरत नहीं है इनकी ज़िंदगी को, कोई पैसा मांगे कुछ करे रिश्वत मांगे कोई किसी की जरूरत नहीं है। सारे पाकिस्तानी कराची से उठ के जाके दुबई में पैसा लगा रहे हैं। तो वही अब हमने करना है कि यहाँ कानून इस्टेब्लिश करना है ताकि बाहर से पाकिस्तान में पैसा आए। और इंशाल्लाह जिस तरह हम 3 साल पूरी जंग लड़ रहे हैं इसके लिए, इंशाल्लाह मैं हर साल हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इसमें, और हर साल आप देखते रहेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा पाकिस्तान में आ रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री चल पड़ी है। इस वक्त आज देखें रिकॉर्ड गाड़ियों की सेल्स हो गई है, यानी जब इंडस्ट्री चलती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है इस बारे। अब जो आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ वो है टूरिज़्म, क्योंकि मैंने दुनिया में तकरीबन सारी दुनिया देखी है, और मुझे वैसे भी शौक़ ट्रैवलिंग का बहुत था, और पाकिस्तान सारा मैंने देखा हुआ है। मैं बहुत देर से ये समझता हूँ कि हमारा इतना बड़ा पोटेंशियल जो टूरिज़्म में है उसके हम बल्कि शुरू भी नहीं हुए उस रास्ते पे कि ये टूरिज़्म का हम फ़ायदा उठाएं। हमने जब केपी में हमारी गवर्नमेंट बनी तो हमने केपी में कोशिश की टूरिज़्म बढ़ाने के लिए, और आप हैरान होंगे कि जो हमारे 5 साल 2013 से 18 तक
जो सुबह सबसे तबाही हुई हुई थी, जो सूबे में वॉर ऑन टेरर की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान पख्तूनख्वा को हुआ था, तो वो 5 सालों में UNDP की अब रिपोर्ट है कि उन 5 सालों में जिस सूबे में सबसे तेज़ी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा था। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि हमने पख्तूनख्वा में टूरिज़्म को पूरी कोशिश की, टूरिज़्म बढ़ाने की। यहाँ गलियात के लोग आपको बताएंगे कि 1 साल के अंदर हमारे पहले 1.5-2 सालों में यहाँ ज़मीन की कीमतें दुगनी हो गई गलियात में, और क्योंकि हमने यहाँ टूरिज़्म के लिए सारी प्रोविज़न की। देखें, सबसे तेज़ी से हम इस मुल्क में अपनी दौलत में इजाफा कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं टूरिज़्म को बढ़ा के। और ये जो आज मुस्लिम, ये एक उस सफ़र के ऊपर एक बहुत बड़ा कदम है। हिल्टन जैसा अगर बड़ा ब्रांड, और इस जगह पे ये वाटरशेड के ऊपर है, इससे बेहतर लोकेशन नहीं मिल सकता कहीं भी। जब आप हिल्टन जैसा यहाँ 5-स्टार जब एक होटल बनेगा, तो इससे क्या होगा? इससे पैसे वाले लोग आएंगे। असल में टूरिज़्म 2 किस्म की होती है, एक मैस टूरिज़्म होती है, एक हाई एंड टूरिज़्म होती है। जो असल पैसा जनरेट होता है वो हाई एंड टूरिज़्म से होता है। तो जब हिल्टन आता है तो हाई एंड टूरिज़्म आगे बढ़ती है। इसके साथ साथ फिर जो चीज़ें क्या आएंगी, यहाँ स्कीइंग बढ़ेगी। पहले सर्दियों में खाली पड़ा होता था ये सारे गलियार, अब सर्दियों गर्मियों में दोनों में होटल्स भरे हुए होते हैं। तो असल में जो अब अगला फेज़ पाकिस्तान में आ रहा है, रिजॉर्ट्स, होटल्स के बाद रिजॉर्ट्स और फिर स्कीइंग। आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान, एक ऑस्ट्रियन ने मुझे बताया कि जो पाकिस्तान में स्कीइंग है वो दुनिया में इतनी नहीं, क्योंकि अब बड़ी देर तक बर्फ़ रहती है। हमारे पहाड़ इतने ऊंचे हैं, ये सारा पख्तूनख्वा के अंदर और आगे नॉर्दर्न एरियाज़ में, कि हम वो सर्दियों में भी होटल्स भरे रहेंगे स्कीइंग की वजह से, और गर्मियों में वैसे ही लोकल टूरिज़्म इतनी है। ईद की छुट्टियों में 27 लाख टूरिस्ट आए हैं पख्तूनख्वा के अंदर। 27 लाख टूरिस्ट आए हैं। अब सोच, ये जब टूरिस्ट आया है, इसके लिए हम कोई रिजॉर्ट्स कर देते हैं, वो बच्चों के साथ लोग आते हैं, बच्चों के लिए, जैसे यहाँ से दुबई जाते हैं। अब दुबई में क्या है, वो सिर्फ रेत है, सब समुंदर है, लेकिन वो रिजॉर्ट्स बना देते हैं, वो रिजॉर्ट्स पर पहुँच जाते हैं लोग, और रिजॉर्ट्स की वजह से पैसा खर्च करते हैं वहाँ। तो वो जो टूरिज़्म की जो वैल्यू एड होता है, वो जब आप रिजॉर्ट्स की तरफ जाते हैं। तो अब अगला फेज़ इसका आएगा, रिजॉर्ट्स डेवलप करेंगे, स्कीइंग, और यहाँ आगे बड़े एरियाज हैं। मुमताज़, ये ना समझो कि ये सिर्फ तुम्हारा पहला, ये पहला बैरन पाकिस्तान में है, ये आप आगे हमने बड़ी ज़बरदस्त जगह देखी हुई हैं। और वो मैं आपको बताऊँ, आपका बिल्कुल पॉइंट ठीक है कि उसके जो ज़मीन की कीमत है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो उसका फीजबल नहीं रहता रिजॉर्ट बनाने के लिए। तो हमने अब पख्तूनख्वा में और गिलगित बल्तिस्तान में हमने अब जोनिंग की है, और उन जोनिंग के अंदर हम फिर लीज़ करेंगे और सस्ती लीज़ करेंगे रिजॉर्ट्स के लिए, जो भी आपने बातें की। और 50 साल वैसे लंबी लीज़ होती है, आप कहते हैं 100 साल, तो ये भी हम डिबेट कर लेंगे कि 50 साल या उससे ज़्यादा कर दिए, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि टूरिज़्म के लिए अब हम उनके लिए जो चीज़ें इंपोर्ट करें टूरिज़्म के लिए, उसमें भी कंसेशन दें, उसमें भी ड्यूटी कम करें जो यहाँ पाकिस्तान में नहीं बनती, और आपको ज़मीन भी सस्ती दें ताकि प्रमोट करें इसके अंदर। और मेरा ये ओपिनियन है कि इंशाल्लाह अगर हमने सही माने में टूरिज़्म के ऊपर तवज्जो दे दी, जो अब हम दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये जो हमारा कर्ज़ा है, ये सिर्फ हम टूरिज़्म के ऊपर हम अपना पाकिस्तान में बिरूनी मुल्क कर्ज़ा उतार सकते हैं। मैं फिर से मुमताज़ आपको आज इस ग्राउंड ब्रेकिंग में मुबारक देता हूँ। मैं स्पेशली इसलिए आज आया ग्राउंड ब्रेकिंग पे, उमूमा तो मैं इंतज़ार करूँगा जब इसकी ओपनिंग होगी आपकी होटल की, लेकिन ग्राउंड ब्रेकिंग में इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि आपको मैंने पहली दफ़ा सजेस्ट किया था यहाँ के नथिया गली में आके रिजॉर्ट बनाओ, आज से 4-5 साल पहले। और मैं आपको इनक्रेज इसलिए करना चाहता हूँ, मैं और भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को इनक्रेज करना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान आएँ, यहाँ पैसा इन्वेस्ट करें, और इंशाल्लाह
हम जितनी भी रुकावटें हैं उनके रास्ते में, इंशाल्लाह वो हम दूर करेंगे। शुक्रिया।